हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड और कितने टाइप के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज, ठीक है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बैंक ऑफ अपोजिट साइड ऑफ द रिवर इज 30 डिग्री। इफ़ द हाइट ऑफ द रिवर इज 3 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो क्वेश्चन में कहने का चाह रहा है वो फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ब्रिज, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ब्रिज है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे कोई ब्रिज है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था एंगल ऑफ एलिवेशन कहाँ से मेजर करते हैं, नीचे से मेजर करते हैं, और एंगल ऑफ डिप्रेशन हम हमेशा कहाँ से मेजर करते हैं, ऊपर से मेजर करते हैं, ठीक है। अब ये कोई ब्रिज है, ठीक है, और नीचे रिवर, कोई नदी बह रही है, मान लीजिए नदी बह रही है ऐसे, रिवर ब्रिज ऊपर है और नदी नीचे बह रही है ऐसे, हाँ जी। इसके किसी एक साइड से ब्रिज है, इसके किसी एक साइड से, मान लीजिए इस साइड से कोई पर्सन बैठा है, यहाँ से ना वो इस रिवर का एक साइड देख रहा है, नीचे यहाँ से देख रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन अपोजिट साइड, यहाँ पे पर्सन बैठा तो उसका अपोजिट साइड तो ये बनेगा, यहाँ देख रहा है वो इस साइड को देख रहा है, ठीक है दोस्तों। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन यहाँ से देख रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा होगा, और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहाँ से, ऊपर से मेजर होता है, तो ये वाला एंगल यहाँ से इसको देख रहा है, इस साइड को देख रहा है, ठीक है। तो ये क्या बन रहा है, उसने बताया था वो क्या बन रहा है 30 डिग्री, तो ये एंगल क्या 30 डिग्री, ठीक है। उसके बाद इफ़ द हाइट ऑफ द रिवर इज 3 मीटर, हाइट ऑफ द रिवर का क्या मतलब है यहाँ पे, अब जैसे कोई रिवर है ये, ठीक है, जितना जितना यहाँ पे ब्रिज है वो उसकी हाइट होती है, हाइट ये हाइट है, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि ये हाइट, ये हाइट, ये कितनी है, यहाँ पे लेते हैं ये कितनी है 3 मीटर है। इफ़ द हाइट ऑफ द रिवर इज 3 मीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द ब्रिज। अब मुझे फाइंड आउट क्या करनी है, मुझे फाइंड आउट करनी है लेंथ ऑफ द ब्रिज, यानी कि ये चीज़। अब अगर यहाँ चीज़ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको नाम दे देते हैं ए बी दे देते हैं इसको, अगर आप देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक और सेम ये डिस्टेंस बराबर है सी डी, ठीक है। अगर मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर लूँ तो इसका मतलब जितनी ये आएगी उतनी ये चीज़ आएगी, ठीक है, यानी कि मैं ये चीज़ फाइंड आउट कर लूँ तो ट्रायंगल क्या बन रही है बी सी डी, ठीक है, हाँ जी। तो मुझे क्या इस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, इसको मान लेते हैं एक्स, ठीक है, हाँ जी। यहाँ से देखें अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो ये 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है, तो इसके सामने क्या है, ये हाइपोटेनियस है, ठीक है, और ये क्या है बेस है, और ये चीज़ क्या है परपेंडिकुलर है, ठीक। और पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था जो चीज़ हमें निकालनी होती है और जो चीज़ गिवन होती है उनके बीच में रिलेशन देखते हैं। यहाँ परपेंडिकुलर गिवन है मुझे और बेस मुझे निकालना है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, जो जो चीज़ें गिवन है वो रख दो और जो चीज़ निकालनी है वो देख लेते हैं, हाँ जी। मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए इसके लिए, एक तो मुझे थीटा चाहिए, थीटा, अब यानी कि मुझे ये वाला एंगल चाहिए, अब ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, मुझे तो ये वाला एंगल गिवन है, ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, जब दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं, मान लीजिए दो लाइनें पैरेलल हैं और एक मैंने ऐसे तिरछी लाइन ड्रा कर दी, ठीक है, जो ये वाला एंगल होता है ये हमेशा किस एंगल के बराबर होता है, इस एंगल के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों एंगल हमेशा में क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब इसको मैं यहाँ अप्लाई करूँ, अगर ये दो लाइनें क्या आपसे पैरेलल हैं, ये एक बीच वाला लाइन ड्रा कर किया, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो ये भी एंगल क्या होगा 30 डिग्री, ठीक है, वैल्यू रख देते हैं, थीटा की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री, परपेंडिकुलर क्या देखें 3, और बेस की वैल्यू मुझे निकालनी है, टेंजर 30 की वैल्यू 1/√3 है, रख देते हैं 1/√3 इक्वल टू 3/x, ठीक है। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद तो x की वैल्यू क्या आ गई 3√3, ठीक है, यानी कि x ये चीज़ CD, यानी कि जो लेंथ ऑफ द ब्रिज है, यानी कि ब्रिज की चौड़ाई वो कितनी है 3√3, तो ये क्या आ गया आपका राइट ऑप्शन आ गया, ठीक है दोस्तों। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं, जो स्टेटमेंट है मैं पढ़ देता हूँ, ए काइट इज़ फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, ठीक है दोस्तों, मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ से एक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है, 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी, अबव द ग्राउंड द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो स्ट्रिंग जो रस्सी जिससे उड़ा रहे हैं हम, ठीक है, इज टेम्परेरी टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, जो वो रस्सी है वो टेम्परेरी किसी ग्राउंड से टाइड है, मतलब बंधी हुई है यहाँ से, ठीक है। द इंक्लाइनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, जो यहाँ से जो स्ट्रिंग का जो पतंग यहाँ पे है, इसका यहाँ से एंगल है जो वो कितना बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री, तो इसको मिला देते हैं, ये एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री, ठीक है।
फाइंड द हाइट ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, मुझे इसकी हाइट फाइंड करनी है, कितनी लंबी रस्सी है, यानी कि मुझे ये चीज़ फाइंड करनी है। मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको एक्स मान लिया मैंने, हाँ जी, और ये हाइट मुझे कितनी देर की है, उसने बताया भी जो पतंग है ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, 60 मीटर की, ये देर का उसने 60 मीटर की, ठीक है। अब क्वेश्चन मुझे क्या क्या गिवन है, एक तो मुझे थीटा गिवन है, हाँ जी, यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है और ये एंगल क्या 90 डिग्री का, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, इसके सामने क्या होता है, इसके सामने होता है परपेंडिकुलर होता है, और ये क्या होता है हाइपोटेन्यूस होता है, ठीक है, और ये होता है बेस होता है। अब मुझे क्या क्या चीज़ें गिवन है, एक तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे निकालनी है हाइपोटेन्यूस की वैल्यू, हाइपोटेन्यूस की वैल्यू निकालनी है, और मुझे परपेंडिकुलर गिवन है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन देखूंगा मैं। जैसे पिछले क्वेश्चन में क्या था, मुझे बेस निकालना होता था, ये दी उत्तर, इन दोनों के बीच में रिलेशन, अब मुझे ये निकालना है और ये गिवन है, इन दोनों के बीच में देखो, इन दोनों साइडों के बीच में क्या रिलेशन है। अगर मैं यहाँ से देखूँ परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस कहता है साइन थीटा, तो मैं यहाँ भी लिख लेता हूँ साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर बाय में हाइपोटेन्यूस, ठीक है, वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू देखिए 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर की वैल्यू भी क्या है 60 मीटर, और बाय में हाइपोटेन्यूस क्या देखिए एक्स, ठीक है, और साइन 60, मैंने ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में आपको बताया था साइन 60 की वैल्यू क्या होती है रूट 3/2 इज इक्वल टू 60/x, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहाँ से, एक्स की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 60 × 2 और बटे में रूट 3, ठीक है, हाँ जी। अब इसको आगे सोल्व करना है तो रूट 3 की क्या कर दो, रेसलाइजिंग कर दो, तो यहाँ से सोल्व करके क्या आया 120 रूट 3 बटे में रूट 3, 3 क्या होता है 3, 40, तो 40 रूट 3, तो ये क्या आ गया मेरे पास आंसर आ गया, यानी कि जो ये रस्सी है जिससे वो काइट उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, उसकी लंबाई कितनी है 40√3, ठीक है। तो इस तरह से भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे क्वेश्चन आ गया, स्टेटमेंट पढ़ देता हूँ मैं, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर एक कोई पॉइंट है, ठीक है, डायग्राम बना लेते हैं, जैसे ग्राउंड पर एक पॉइंट है कोई, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब नीचे से देख रहा है एंगल यहाँ से, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, ऑफ द बॉटम, पहले स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, कोई टावर है जिसके बॉटम यानी कि मान लीजिए टावर है, उसके बॉटम का एंगल, उसके टॉप का एंगल दे रखा है, टावर कहाँ पे है, वो टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ ए 20 मीटर हाई बिल्डिंग, मैं यहाँ पे बता देता हूँ क्या कहना चाह रहा है वो, हाँ जी, एक मेरे पास 20 मीटर हाइट बिल्डिंग है, ठीक है, ये 20 मीटर इसकी ये बिल्डिंग है, इसकी हाइट क्या है 20 मीटर, मान लीजिए ए बी है और ये क्या मेरे पास 20 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, इस बिल्डिंग के ऊपर एक टावर है, ये टावर है, इस टावर की बात कर रहा है वो, इस बिल्डिंग के ऊपर टावर है, मान लीजिए इसको सी मान लेते हैं, बी सी, ये टावर है, यहाँ से टावर स्टार्ट है, वो यहाँ से ये टावर है कोई, ठीक है, इस टावर के बॉटम, इस टावर है, इसका बॉटम तो ये निचला साइड होता है, इस टावर के बॉटम, और यहाँ से कोई एक पर्सन देख रहा है उसको, यहाँ से, और यहाँ से मैं लाइन ऐसे ड्रा कर देता हूँ, ठीक है, हाँ जी, इस टावर के बॉटम का एंगल, एक तो ये एंगल, और इस टावर के टॉप का एंगल, एक ये एंगल सीधे ड्रा कर देते हैं, और एक ये एंगल, ठीक है दोस्तों, स्टेटमेंट में आपको समझा देता हूँ, वो कहना चाह रहा है एक बिल्डिंग है, उसके ऊपर एक टावर लग रहा है, ठीक है, और एक पॉइंट से इस टावर के बॉटम का एंगल, इस टावर के बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देखते हैं, और इस टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ से देख रहे हैं, वो कितना है, हाँ जी वो देखते हैं, हाँ जी, फिक्स एट द टॉप ऑफ ए टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन बॉटम, जो बॉटम का यहाँ पे लिख रखा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 45 डिग्री, यानी कि ये एंगल क्या है 45 डिग्री, ठीक है, और जो टॉप का एट द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर, और टॉप का एंगल कितना है, टॉप का ये सारा एंगल यहाँ से यहाँ तक, ये सारा कितना है 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों, दो एंगल दे रखे हैं, जो बॉटम का एंगल 45 और टॉप का एंगल 60 डिग्री, मुझे फाइंड आउट करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर यानी कि बी सी, ये फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए इसको एक्स मान लेते हैं, हाँ जी, तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम, अगर मैं यहाँ देखूँ, मान लीजिए इसको मान लेते हैं डी मान लेते हैं, अगर ये बड़ी ट्रायंगल, इसमें दो ट्रायंगल बन रही है, राइट एंगल है, दो ट्रायंगल है इसमें, एक तो ए बी डी, एक तो ट्रायंगल बन रही है ए बी डी, एंड ओ ट्रायंगल क्या बन रही है ए डी सी, ए डी सी, ठीक है, और मुझे फाइंड आउट करनी है ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, अब कैसे करेंगे, हाँ जी, अगर मैं छोटे वाले ट्रायंगल के ऊपर मैं राइट, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम करते आ रहे हैं, तो वहाँ से मेरे पास ये भी दे रखा है,
और एंगल भी देखें, मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ जी। पहले छोटे वाले ट्रायंगल को लेते हैं, हाँ जी, ट्रायंगल ए पी डी में मैं बेस निकाल सकता हूँ, जो बेस इसका होगा छोटे ट्रायंगल के लिए होगा, वो बेस इसके लिए बड़ी के लिए भी होगा। मान लीजिए बेस की वैल्यू है, इसको वाई मान लेते हैं, बेस वाई है, ठीक है, हाँ जी। इन ट्रायंगल ए बी डी, अगर मैं यहाँ पर देखूँ, मुझे ये परपेंडिकुलर, यहाँ से एंगल मेजर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये थीटा है। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन में करते आ रहे हैं, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, बीस और वाई बेस, ठीक है, हाँ जी। थीटा की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री इज इक्वल टू बीस बटे वाई, ठीक है। और टेंजेंट 45 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल में बता रखे ये। तो यहाँ सोल्व करेंगे, वाई क्या आ गया, 20। तो ये क्या चीज़ आ गई, जहाँ से एंगल मेजर कर रहा है इस पॉइंट से लेके और जो बिल्डिंग है इसका डिस्टेंस, यानी कि वाई की वैल्यू क्या आ गई, 20। एक चीज़ तो मेरे पास आ गई, पर मुझे ये चीज़ नहीं फाइंड आउट करनी, मुझे फाइंड आउट करनी है ये चीज़, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब मैं बड़े वाले ट्रायंगल लेता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ इन ट्रायंगल डी ए सी। अगर मैं बड़े वाले ट्रायंगल, ये ट्रायंगल वाई 20 की वैल्यू मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से, हाँ जी, इन ट्रायंगल डी ए सी, ये बड़े वाले ट्रायंगल है जो डी ए सी, हाँ जी, इसमें क्या क्या गिवन है, मेरे पास ये तो गिवन है, और इस ट्रायंगल का यहाँ से इस बड़े वाले ट्रायंगल में एंगल क्या है, 60 डिग्री है, ठीक है, हाँ जी। थीटा मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, इसमें थीटा क्या है, 60 डिग्री है, और डी ए क्या है, इसमें 20 मीटर है, और साइड क्या है इसमें, ये कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक साइड है, टोटल साइड ये है। इस सारी साइड को मैं नाम दे लेता हूँ, मान लीजिए इस सारी को दे ले जेड मान लेते हैं इसको, जेड, हाँ जी। ए सी क्या है मेरे पास, जेड, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करते हैं, हाँ जी, वही चीज़ें, एंगल दिया हुआ है तो टेंजेंट थीटा, और मुझे क्या है, परपेंडिकुलर निकालना है, बेस दे रखा है, तो वही परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, जेड, मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताई थी ये चीज़, ठीक है दोस्तों, जेड, और बेस क्या मेरा, 20, अभी निकाल करते हैं, हाँ जी। एंगल की वैल्यू क्या है, 60 डिग्री, टेंजेंट 60 इज इक्वल टू जेड बाय 20, और टेंजेंट 60 की वैल्यू क्या होती है, टेंजेंट 60 की वैल्यू होती है √3, यहाँ पे √3 रखेंगे तो √3 इज इक्वल टू जेड बाय 20, तो यहाँ से जेड की वैल्यू क्या आ गई, 20√3, ठीक है, जेड की वैल्यू ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक जेड की वैल्यू क्या आ गई, 20√3, यहाँ पे लिख लेता हूँ 20√3। लेकिन मुझे निकालना क्या है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, अब मुझे निकालनी है बी सी की वैल्यू, और मेरे पास है टोटल ए सी की वैल्यू। ए सी किसके बराबर है, ए सी बराबर है ए बी प्लस में बी सी, ठीक, ए बी प्लस बी सी, मुझे बी सी की वैल्यू निकालनी है, बी सी इधर ले आओ तो ए सी माइनस ए बी हो जाएगा, सिंपल, हाँ जी। बी सी की वैल्यू क्या है, एक्स माननी है मैंने, और ए सी की वैल्यू क्या है, टोटल ए सी की वैल्यू 20√3, अभी निकाल लिया मैंने, इसमें से माइनस क्या कर दो, 20, ठीक है, मैं यहाँ मिटा देता हूँ इसको। तो इसको सोल्व करेंगे, क्या आ गया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 20√3 माइनस के 1, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या आ गई मेरे पास, हाइट ऑफ द टावर, और यही मुझे निकालनी थी, हाइट ऑफ द टावर। आपसे जो भी क्वेश्चन पूछना चाह रहा आप उसका आंसर दे सकते हैं। अगर वो पूछता टोटल हाइट ऑफ द बिल्डिंग, यानी कि विद टावर, टावर के साथ, तो वो कितनी थी, 20√3 यही थी। अगर आपसे पूछे सिर्फ टावर की हाइट, तो वो क्या आई है, 20√3 माइनस के 1, ठीक है। अगर वो आपसे पूछे जहाँ से एंगल मेजर कर रहे हैं और जहाँ से बिल्डिंग है उसके बीच का डिस्टेंस, वो क्या था, 20, ठीक। आई होप आपको समझ आएगा इस टॉपिक से रिलेटेड किस तरह से हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।